नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो हम सिंपल इंटरेस्ट की सीरीज चला रखी है हम लोगों ने, उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि एक फिक्स पैटर्न होता है जिसका एग्जामिनर सारा लेता है, सिर्फ डेटा चेंज करता है। वो सब मैंने बताया था कि धन है वो 5 गुना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है, और वहां पर या तो समय देता है या दर देता है। अगर वो दर देता है तो समय पूछ लेता है, समय देता है तो दर पूछ लेता है। ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने यही डिस्कस किया था। मैं यहां पर बताता हूं आपको कि यहां पर जो एग्जामिनर जो होता है दोस्तों, मूलधन हमारे को नहीं देता है, तो कुल मिला के मूलधन जो है ये मानना पड़ता है हमारे को। वो इस तरीके की लैंग्वेज रखता है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाता है। अब देखिए, यहां न तो धन का पता है कि धन है कितना, ठीक है, तो धन हमारे को मानना पड़ेगा। इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो ये है कि वो या तो दर देता है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 10% दर से 3 गुना हो जाता है, 5% कोई धन 10% साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाता है, तो या तो वो दर देता है। अगर वो दर देता है दोस्तों, तो आपसे टाइम पूछ लेगा, और अगर आपको टाइम देता है तो वो आपसे दर पूछेगा। ठीक है भाई, तो फिर आपसे दर पूछेगा। ये बातें मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस की थी, इसको एक बार फिर देख लीजिए आप कि ये जो टाइप है दोस्तों, ये फिक्स टाइप है, इसमें कुछ भी हेरफेर नहीं है। एग्जामिनर सिर्फ डेटा चेंज करेगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ डेटा चेंज करके देगा। ठीक है, तो चलिए हम और इसमें क्या क्या लैंग्वेज के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब देख लेते हैं। तो क्वेश्चन और है मेरे पास, वो सब करा देंगे। देखिए दोस्तों, एक बार मेरा टारगेट है कि जल्दी से जल्दी आपको ये जो सिलेबस है इसको खत्म करवाया जाए। बाद में जो और क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं कहीं से, जैसे प्रीवियस ईयर में आते हैं, तो वो भी मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, बाकी यहां से पढ़ने के बाद चैप्टर कर लोगे तो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी एग्जाम में आए, आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि इतना बेसिक हो जाता है। ठीक है, चलिए और क्या क्या लैंग्वेज हो सकती है, कैसे वो लैंग्वेज को मिक्स करता है, इस क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। इंग्लिश में देखते हैं, एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times ऑफ प्रिंसिपल इन 10 years। देखिए यहां पर टाइम दे दिया उसने, टाइम दे दिया तो दर निकलेगी, सीधी सी बात है, और दर देगा तो टाइम निकलेगा। ठीक है, इन हाउ मनी ईयर्स विल इट बिकम 5 times दैट ऑफ प्रिंसिपल। हिंदी में देखिए, किसी साधारण ब्याज की दर से, किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्षों में धन से 3 गुना हो जाता है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये साफ साफ कह रहा है कि धन से 3 गुना हो जाता है। क्या 3 गुना हो जाता है भाई? साधारण ब्याज। अब तक वो सदा सदा ये कह रहा है कि राशि है वो 3 गुना हो जाती है। राशि मतलब होता है दोस्तों अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। ठीक है, जहां पर मूलधन और ब्याज समाया रहता है। अभी तक की लैंग्वेज देखिए वो थी जहां वो सीधा सीधा ही कह रहा था कि राशि 3 गुनी हो जाती है। तो राशि 3 गुनी होने में और साधारण ब्याज के 3 गुने होने में फर्क होता है, क्योंकि राशि जो है तो दोस्तों वो होती है अमाउंट, अमाउंट का मतलब मिश्र धन, और मिश्र धन में मूलधन और ब्याज समाया रहता है। ठीक है, लैंग्वेज का फर्क देखिए आप, मैं दोनों ही लैंग्वेज आपको करा दूंगा। इसमें वो कह रहा है साधारण ब्याज, यहां कह रहा है सीधा सीधा बोल रहा है कि साधारण ब्याज 3 गुना हो जाता है, यानी कि अगर आप 1 रुपये मूलधन मानेंगे तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा उसका 3 गुना, 3 रुपये मूलधन मिलेगा। सॉरी, 1 रुपये अगर आप मूलधन मानते हैं तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा उसका 3 गुना, यानी कि 3 रुपये आपको साधारण ब्याज के मिलेंगे, तो आपकी राशि कितनी होगी? मिश्र धन 4 रुपये, मूलधन प्लस ब्याज। 1 रुपये तो आपने दिया, 3 रुपये उससे कमाए, तो 4 रुपये होगी आपकी राशि। वहां पर क्या था कि टोटली 3 रुपये बन रहे थे, यहां पर सेपरेट सिंपल इंटरेस्ट इसने दिया है कि वो 3 गुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में धन से 5 गुना हो जाएगा? सीधी सीधी बात है, देखिए यहां पर इसने साफ साफ ये कहा है कि भाई मान लो कि अगर आपने कहा मूलधन 1 रुपये है,
मान लो कि मूलधन कितना है आपका, एक रुपए, ठीक है। अगर मान लो कि मूलधन ही आपका एक रुपए है, तो सीधा सीधा ये सवाल ये कह रहा है कि साधारण ब्याज है वो तीन धन से तीन गुना हो जाता है। ये धन है आपका, ये क्या है दोस्तों, मूलधन, जिसको हम धन भी बोलते हैं, वो है एक रुपया। मैंने दोस्तों आपको साफ साफ बताया था पिछले वीडियो में कि आप डेटा वो माने जो आपके कैलकुलेशन को इजी करे। आप एक रुपए इस तरीके से भी मान सकते हैं अगर आप क्वेश्चन में आपको सपोर्ट मिल रहा है तो, नहीं तो आप 100 की टर्म में माने, 100 रुपए मान ले, वहां से भी देखिए कैलकुलेशन इजी बनती है, ठीक है, कुछ नहीं सूझ रहा है तो। बाकी मैं तो इस तरीके से ही करता हूं भाई, मैं तो एक रुपए मान लेता हूं। अब मुझे बताया कि साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज कितना बनेगा, क्योंकि खुद कह रहा है कि यार तीन गुना हो रहा है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज तीन गुना हो रहा है, मैं कि राशि तीन गुना हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें साधारण ब्याज कितना है, तीन रुपए। अब आप ये देखिए भाई, आपका मूलधन एक रुपए है, साधारण ब्याज तीन रुपए है, समय आपके पास है, टाइम कितना है भाई, 10 साल, तो क्या आप रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। मैंने कहा था कि भाई सीधी सीधी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे सवालों में मूलधन जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो आपको मानना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा यानी दर देगा तो समय पूछेगा, और समय देगा तो दर पूछ लेगा, ठीक है। तो अब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, वो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे सूद से। 3 रुपए ब्याज कमाया आपने किस पर, 1 रुपए पर, तो 100 पर कितना, और ये सारा काम आपने 10 साल में कर दिया, तो 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल गई। तो क्या आपसे रेट ऑफ, अभी तक जो सवाल हम करते आए हैं वो यहां तक ही थे, इससे आगे नहीं थे। अब इसने एक क्वेश्चन और ऐड किया है उसमें, ठीक है, एक लैंग्वेज को और ऐड किया है, और इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है भाई। अब इसने ये कहा है हमारे को, क्या कहा है भाई, अभी तक जो ये पूछ रहा था वो सिर्फ या तो दर पूछ लेता था हमसे या समय पूछ लेता था, तो हम आसानी से निकाल रहे थे। अब क्या है, इसने और लैंग्वेज ऐड की कि कितने वर्षों में धन से 5 गुना हो जाएगा। आप ये लैंग्वेज देखिए दोस्तों, कितने वर्षों में धन से 5 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा धन से 5 गुना, साधारण ब्याज। इस लैंग्वेज में देखिए दोस्तों, कितने वर्षों में धन से 5 गुना हो जाएगा। यहां पर देखिए, ना तो ये लिख रखा है कि साधारण ब्याज हो जाएगा, ना ही ये लिख रखा है कि राशि हो जाएगी, लेकिन इस सवाल को जब हम पूरा पढ़ते हैं तो साफ साफ बोला है किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज जो है दोस्तों, साधारण ब्याज ये 10 वर्षों में धन से 3 गुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में धन से 5 गुना हो जाएगा, यानी कि वो बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज की, धन की बात नहीं कर रहा। धन की बात करेगा तो वो लिख के देगा यहां पर कि राशि है, वो यहां पर लिखेगा। देखना मैं बताऊंगा और लैंग्वेज कैसी होगी आपकी। अब दोस्तों जैसे वो कह रहा है कि 5 गुना हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज 5 गुना हो जाएगा, इसका मतलब दोस्तों अगर आप मानते हैं कि 1 रुपया आपका मूलधन है तो ब्याज कितना कमा रहे हैं, 5 रुपए, यानी कि 5 रुपए ब्याज कमाया आपने कितने पर, 1 पर, तो 100 पर कितना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने निकाली ली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है 30%, टाइम आपको निकालना है। मतलब याद तो देखिए, आप वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा तो टाइम पूछ लेगा, और टाइम देगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले तो उसने आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलवा दी, दर निकलवा दी समय देकर के। अब आगे कह रहा है कि भाई समय बता दो, दोनों क्वेश्चन एक साथ मिक्स कर दिया उसने, दर भी निकलवा दी आपसे और समय भी निकलवा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ गया 50/3, और जब आप इसको और सोल्व कर लेते हैं तो ये आ गया 16/3/7, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है भाई। देखिए बहुत आसान सा सवाल है, आप इसे देखिए दोस्तों, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है।
ये सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज अगर आप पकड़ पाते हैं तो मैथ में कुछ भी हार्ड नहीं है। बड़े बड़े जो आधे आधे पन्ने के सवाल होते हैं एक एक लाइन में होते हैं, अगर आपको लैंग्वेज पकड़ में आती है तो, और लैंग्वेज नहीं पकड़ में आती है तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता आपको, तो एक लाइन का क्वेश्चन भी बहुत बड़ा लगेगा। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए आप, क्वेश्चन तो यही है। अब मैं इसमें देखिए थोड़ा सा और लैंग्वेज चेंज करता हूं, कैसे जो हम करते आए इसमें देखिए हमारे से उसने दर भी निकलवा ली और समय भी निकलवा लिया, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये, भी ध्यान से सुनना, किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन, या फिर ऐसे बोल दो कि किसी साधारण ब्याज की दर से जो राशि है वो 10 वर्षों में धन से 3 गुना हो जाती है। अगर वो ये कहता कि इसको अगर आप एक बार मिटा देते हैं, देखिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, पूरा हो चुका है, मैं आप इसमें कुछ और ऐड करके बता रहा हूं आपको ये बातें, तो ठीक है जो क्वेश्चन इसने दिया था वो उसका आंसर मैंने बता दिया। अगर वो लैंग्वेज इस तरीके से रखता है कि किसी साधारण ब्याज की दर से राशि, ठीक है, राशि 10 वर्षों में, अगर यहां पर सिर्फ वो राशि का यूज कर लेता है, अमाउंट का, ध्यान से सुनना भाई, अमाउंट का यूज कर लेता है सिर्फ, और लैंग्वेज बाकी सेम रहेगी, ठीक है, किसी साधारण ब्याज की दर से जो राशि है, अमाउंट है, 10 वर्षों में धन से 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में धन से 5 गुना हो जाएगी। अब जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो मिश्र धन पर शिफ्ट हो चुका है सिर्फ एक शब्द बदलने से, ठीक है, सारा का सारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कंप्लीट क्वेश्चन मिश्र धन पर शिफ्ट हो गया। और मिश्र धन का मतलब आप जानते हैं बहुत बढ़िया से, क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, जहां पर जिसमें मूलधन भी समाया रहता है और ब्याज भी समाया रहता है। अभी तक वो सेपरेट बात कर रहा था कि भाई सिंपल इंटरेस्ट है वो 3 गुना हो रहा है, ठीक है, मूलधन 1 रुपए है, सिंपल इंटरेस्ट 3 गुना हो रहा है, तो टोटल जो अमाउंट बन रहा है, राशि बन रही है, वो 4 गुना बन रही है, 4 हो रहा है मतलब, ठीक है। अगर आपने किसी को 1 रुपया दिया, 3 रुपए उससे कमाए, तो 1 + 3 कितना हो गया दोस्तों, 4, तो 4 रुपए बन रही है। अभी तक सवाल ये था, लेकिन अब सवाल में यूटर्न आ गया, कैसे, वो कह रहा है कि राशि 3 गुना हो जाती है। अब दोस्तों राशि में तो मूलधन भी है, ब्याज भी है, तो यहां पर जो सवाल होगा दोस्तों, मान लो कि अगर मूलधन आपका 1 रुपया है, अगर आपका मूलधन 1 रुपया है तो दोस्तों राशि कितनी बन रही है, अमाउंट क्या बन रहा है भाई, अमाउंट कितना बन रहा है, 3 रुपए, वो कह रहा है 3 गुना हो रहा है तो 3 रुपये। तो दोस्तों ब्याज कितना बन रहा है भाई, आपने किसी को 1 रुपया दिया, उसके बदले में आपने उससे 3 रुपए लिए, तो आपने कितने रुपए कमाए, ठीक है, दी गई राशि पर कमाया गया धन ही क्या होता है दोस्तों, ब्याज होता है, या किसी को उधार दी गई राशि पर कमाया गया धन ही क्या होता है, ब्याज होता है, ठीक है, किसी को से उधार ली गई राशि पर दिया गया धन ही क्या होता है, ब्याज होता है, ठीक है। तो राशि की ब्याज कितना हो गया दोस्तों, 3 - 1 यानी कि 2 रुपए ब्याज बन गया। अब आराम से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, कैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी दोस्तों 2 रुपए कमा रहा है किस पर, 1 रुपए पर, तो 100 पर कितना, और ये सारा कारनामा कब कर, कितने साल में कर रहा है, 10 साल में, क्योंकि वो समय दे रहा है, समय देगा तो दर निकलवाएगा और दर देगा तो समय निकलवाएगा, तो 10 साल में हो रहा है, तो ये हो गया दोस्तों 20%, यानी कि 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर चार्ज हुई है। पिछले वाले जो लैंग्वेज थी उसमें 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हुई थी जब साधारण ब्याज ही 3 गुना बन रहा था, लेकिन यहां पर देखिए दोस्तों सीधी सी बात है कि राशि 3 गुना बन रही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्वियसली कम ही हो इससे, ठीक है।
अब यहां पर देखिए टाइम निकाल लेंगे आराम से, वो कह रहा है कि यार कितने वर्षों में ये तीन पांच गुना हो जाएगा। अब पांच गुना राशि हो रही है, देखिए दोस्तों यहां जो है राशि की बात कर रहा है वो, पिछले सवाल में साधारण ब्याज की बात कर रहा था, क्योंकि साधारण ब्याज उसने दिया था कि भाई साधारण ब्याज हो रहा है, यहां पर कह रहा है राशि हो रही है, तो राशि पांच गुना हो रही है। अब दोस्तों देखिए, अगर राशि पांच गुना होने का मतलब यह होता है कि अगर मैंने आपको एक रुपया दिया और आपसे पांच रुपए मैंने ले लिए, तो मैंने कमाए कितने, चार रुपए। तो कमाया गया धनी क्या होता है दोस्तों, ब्याज होता है, ठीक है, सीधी सीधी बात है। तो चार रुपए मैंने कमाए किस पर, एक रुपए पर, तो सौ पर कितना, और ये 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 20 × 500 = 5, यानी कि 20 साल जो है दोस्तों उसको लग जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर ये लैंग्वेज वो देता है, अगर वो कहता है कि राशि की रेस्पेक्ट में लैंग्वेज देता है, जैसे राशि है 10 वर्षों में धन से तीन गुना हो रही है, कितने वर्षों में पांच गुना हो जाएगी, तो 20 साल। अगर वो कहता है साधारण ब्याज तीन गुना हो रहा है, तो कितने वर्षों में ये पांच गुना हो जाएगा, तो साधारण ब्याज के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये ऑप्शन नंबर बी 16.33, ठीक है, 50/3 साल। मेरा कहने का मतलब दोस्तों इतना सा है कि लैंग्वेज पर काम करें, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कराऊं आपको धीरे धीरे, क्योंकि देखिए कैसे साधारण ब्याज की जगह हमने राशि रख दी और कैसे आंसर चेंज हो गया। बाय द वे एग्जामिनर ये दोनों ऑप्शन ही सेट रखेगा, ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम क्वेश्चन बना रहा है ना वो बेवकूफ नहीं होता, वो चार ऑप्शन इस तरीके से सेट करके देता है कि वो चारों ही किसी न किसी तरीके से आते रहते हैं, और चार में मिले तो दो तो डेफिनेटली आते हैं, और वो पहला ऑप्शन ही ज्यादातर ऐसे देता है कि वो गलत कराते आपका, ठीक है। तो इसलिए आप सबसे पहले इस लैंग्वेज को समझें कि भाई वो राशि के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, अमाउंट के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, या फिर वो साधारण ब्याज के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, पहले तो इस बात को समझें। क्योंकि दोस्तों जो राशि है, अगर वो राशि की बात करता है अमाउंट की, तो क्योंकि उसमें मूलधन और ब्याज दोनों समाया रहता है, अगर वो राशि की बात करता है, तो अगर वो बात करता है सिर्फ साधारण ब्याज की, तो वो अकेला साधारण ब्याज। मैंने आपको बताया जैसे इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि राशि तीन गुना हो रही है, तो मैंने आपको कहा कि मान लो आपने किसी को एक रुपया दिया और तीन गुना कमा रहे हैं उसका, तो तीन गुना बना रहे हैं, तो तीन रुपए कमा लिए, तीन रुपए ले लिए उससे, ठीक है, तो ब्याज कितना कमाए, दो रुपए का, ठीक है। और अगर आपको एक रुपए दो रुपए नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप सौ रुपए मान लीजिए दोस्तों, ठीक है, सौ रुपए आपने किसी को उधार दिए, तीन गुना उस पर कमाया, यानी कि 300 रुपए बना लिए, तो ब्याज कितना कमाया आपने, 200 रुपए का। तो वो यह दो बिंदु बाद में कटनी है, आप पहले काटते हैं, ठीक है। तो मैं तो इस तरीके से करता हूं कि भाई देखिए राशि वो कह रहा है तीन गुना है, तो भाई ब्याज कितना कमाया, दो रुपए कमाया किस पर, एक रुपए पर, तो सौ पर कितना, और ये सारा कारनामा 10 साल में हुआ, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने पिकअप की, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मेरे हाथ लग गई तो मैं फिर टाइम आराम से निकाल दूंगा। वो कह रहा है कि साहब की धन से पांच गुना हो जाएगा, पांच गुना होने का मतलब जो धन अगर पांच गुना हो रहा है, तो ब्याज कितना कमा रहा हूं मैं, कितने आपको एक रुपया दिया और पांच रुपए आपसे ले रहा हूं, तो ब्याज कितना कमा रहा हूं, चार रुपए का, ठीक है, तो चार रुपए का ब्याज कमाएंगे एक पर, तो सौ पर कितना, और ये सारा 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। इस तरीके से मिक्स प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है भाई, देख लेते हैं एक बार टाइम और थोड़ा सा वीडियो अटकने लग गया है यार, क्या बात हुई, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और देखते हैं, देखा अगले वीडियो बनाएंगे, उसमें वो क्वेश्चन जो रह गया है वो बता देंगे आपको। तब तक के लिए आप देखते रहिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।